हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर वन पे। तो दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सर आपसे पूछ रहा है, आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त दो स्पर्श लंब व्यास है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ये जो आपको ओ डी दिया हुआ है, ये ओ डी जो दिया हुआ है सर, ये छोटे वृत्त का क्या है सर, व्यास दिया हुआ है, है ना। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सर, छायांकित भाग का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि शेडेड रीजन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो क्या है सर, यही है शेडेड रीजन, यही छायांकित किया हुआ भाग है, यही छायांकित किया हुआ भाग है ना। ये छायांकित क्या भाग है, इसका ही आपसे क्या पूछ रहा है सर, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सर क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल अप्लस क्या है सर, कि जीवा के द्वारा बना खंड क्या होता है सर, वृत्तखंड होता है। तो ये एक वृत्तखंड अप्लस एक वृत्तखंड, कितना, दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये एक वृत्त का क्षेत्रफल अप्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल अगर ऐड कर देंगे तो वही तो सर आ गया सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सर दिया है, क्या दिया है सर, कहिए एक मिनट, OA बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये OA जो दिया हुआ है सर, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। तो ये अगर 7 सेंटीमीटर हो तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो, क्योंकि केंद्र से सरकमफेरेंस यानी केंद्र से ये परिधि तक का दूरी त्रिज्या होता है। तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो, ये भी 7 सेंटीमीटर हो तो सर ये क्या है सर, व्यास है, है ना। तो ये व्यास है सर इस वृत्त का। तो इस वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना चाहे तो सर कैसे निकालेंगे, त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना चाहे, छोटे वृत्त की त्रिज्या, अगर इस वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना चाहे सर तो क्या आ जाएगा सर, व्यास है 7, तो त्रिज्या कितनी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगी सर त्रिज्या, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ से पूछ रहा है सर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा सर, कहीं ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल आप प्लस क्या लिखेंगे सर, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, यानी कि दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, अब प्लस 2 × वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, और माइनस का क्या होता है सर, 1/2 r² sin θ, है ना। क्या यही नहीं होता है, होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² sin θ होता है। तो ये दो वृत्तखंड, ये एक वृत्तखंड का हो गया, तो दो वृत्तखंड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। आप चलिए सर, पाई का मान क्या देंगे सर, पाई का मान आ जाएगा सर 22/7, है ना। त्रिज्या कितना दिया हुआ, कहीं 7/2 है, मल्टीप्लाई 7/2 प्लस क्या है 2 × पाई का मान कितना लेंगे सर, 22/7, है ना। त्रिज्या कितना है सर, आप देखिए वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी होगी सर, आप एक चीज बताइए, ओ ए है कितना, 7 सेंटीमीटर, यही तो एक प्रकार की त्रिज्या हो गई, तो ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। तो ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये समझे बात। तो क्या इसका त्रिज्या क्या बोल देंगे सर, इसका त्रिज्या 7 ही सेंटीमीटर होगा, वृत्तखंड की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ सर, 7 × 7, और एंगल कितना होगा सर, कहिए वृत्तखंड में ये जो एंगल बनता है कितने डिग्री का एंगल बनता है सर, कहीं 90 डिग्री का एंगल बनता है, थीटा इक्वल टू में क्या लिख देंगे सर, 90 डिग्री लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 90/360 प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ 1/2 r, कितना है 7 × 7, और साइन क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री, यहाँ साइन 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए सर, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 11 बार में चला जाएगा, 11 7 जा कितना आ जाएगा, 77 बाई यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 22/7 कितना जाएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 1 कितना आ जाएगा 15, और यहाँ देखिए तो 90 से कट जाएगा चार बार में, रुक जाइए, और यहाँ से 2 × 2 = 4, 2 से 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 11/7 कितना जाएगा 77, और बाई कितना जाएगा 2 माइनस, यहाँ सर देखिए तो साइन 90 डिग्री का मान एक ही आता है, तो 77 कितना जाएगा 49, और 49 बाई कितना जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। तो देखिए सर, यहाँ 77/2 प्लस यहाँ 2 और माइनस एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8, या 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, और बाई कितना जाएगा 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, है ना।
तो यहाँ 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 0.25 जा 10, 38.5 प्लस क्या करेंगे सर 28 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5.8816, 3 2 5 1 6, यानी कि 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा सर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। है भाई, समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं किए हैं सर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा था कि क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस क्या कर दिए सर, ये दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर दिए, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर सेन थीटा। ये एक वृत्तखंड का हो गया, तो दो के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दिए और वैल्यू क्या कर दिए सर, पुट कर दिए।